सफर दर सफर जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर आखिरी सांस जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर अब मुकद्दर आजमाने के लिए देखिए खास करके बड़े शहरों जैसे लेबर आती है और छोटे शहरों से बड़े बड़े शहर नौकरी में धंधे के लिए कुछ लेकिन मुंबई शहर में क्योंकि सारी फिल्म इंडस्ट्री तो एक्टर बनने में हो जाते हैं जैसे हम सब एक्टर बनने आए थे तो कोई तबला बजा रहा है कोई कुछ बजा रहा है ये देखिए क्या होता है वहाँ छोटे शहर में जा रहे थे वहाँ कोई ना कोई पड़ोसी बोल देता है और तेरी शक्ल तो धर्मेंद्र ना मिलती है वो दूसरे दिन मुंबई आ जाता है तो एक जनाब आ गए मुंबई शहर एक्टर बनने तो उनके थोड़े पैसे खत्म होने लगे 15-20 दिन में तो उन्होंने कहा कि छोटा सा अभी बजट बनाया जाए पूरा खर्चे का तो सबसे पहले खाने का बजट बनाया खाना क्या खाना है तो बाजार गए बाजार से बड़ा सारा एक जो है वाटरमेलन लेके आ गए तरबूज हथवाड़ा जिसको कहते हैं ना पंजाबी में बड़ा सारा वाटरमेलन और छुप के खाने लगे एक जगह बैठ के उसको काटा खाने के लिए तो पहले उसमें से थोड़ा धुआं निकल गया देखा धुआं कैसे आ रहा है काटा तो धुआं फैलने लगा चारों तरफ मेरे आका क्या हुक्म है तो जिन नहीं पा रहा है वहां से मेरे आका क्या हुक्म है कहता हुक्म क्या एक तो मेरा खाना खराब कर दिया भूख लगी खाना खिलाओ पहले खाना ही खाना खाना ना खा के मेरे आका मुझे आजाद करो नहीं ठहरो अभी एक और काम है थोड़े से मुझे नए कपड़े सिलवा के दो तो उन्होंने फसला नए सूट सब कर दिए बोले मुझे आजाद करो मेरे आका बोले नहीं एक काम और है मुंबई शहर में मुझे रहने की जगह नहीं है एक छोटा सा फ्लैट लेके दो मेरे आका अगर मुंबई शहर में रहने की जगह होती तो मैं इसमें क्यों रहता के लिए वक्फा करेंगे उसके बाद आपकी जो फरमाइश है वो कोशिश करेंगे